किलोमीटर पे राइट। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग या गुड नाइट क्या कहें। हम लोग दिन भर की थकावट के बाद हमने सोचा चलो यार यहाँ आ जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने। और अगर आप काठमांडू में आए हो, नेपाल में आए हो और आप यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया तो क्या फ़ायदा। सबसे मेन स्ट्रीट फूड है यहाँ का, वो है मोमोज। तो बस हम लोग मोमोज खाने निकले हैं, ये पूनम के फेवरेट हैं खाने। कौन से वाले मोमोज खाने पता नहीं, अभी देखते हैं अंदर जाके। कौन सी स्पेशलिटी कौन सी है भैया यहाँ की, कौन से मोमोज मोमो कौन सा मोमोज फेवरेट है यार, फेमस करते हैं सबसे ज़्यादा मोमोज कौन से खाते हैं लोग। तो पहले वाले वो हमको खाएंगे, उसके अलावा चिकन का, चिकन वाले वो अच्छे सबसे अच्छे हैं। अच्छा, ये बंद कितने बजे हो जाता है हमारा? आदमी है तो आदमी अब नहीं है तो 10 बजे टाइम से 10 बजे ग्यारह 12 1 बज जाता है 12। चलो ठीक है जी, अभी हम आर के शानदार मोमोज ये फेमस नेपाल का काठमांडू का, आपको दिखाई देते हैं। ये के शानदार सेंटर नंबर लिखा हुआ है, आप भी आके मोमोज खाओ। बाकी आपको मोमोज खा के बताते हैं कैसे बने हैं, क्या हिसाब किताब है। ठीक है जी, बाकी ठीक है, मिलते हैं सीधा मोमोज के टाइम पे। बाय बाय। हमने ऑर्डर किया है, एक है चिकन मोमो, दूसरा है चिकन चिली मोमो। आने पर पता चलेगा कैसे बनता है। नहीं, ये दो दो ऑर्डर क्यों कर दिए, इतना पेट खा लिया तेरा। और क्या, सुबह से कुछ खिलाया नहीं इंसान ने मुझे, हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले थे। फिर मुझे इतनी भूख लगी कि मैंने आते ही 100 ग्राम बनाना चिप्स खा लिए। जो कल लिए थे वो सारे ही सारे खत्म कर दिए, सारे बनाना चिप्स मैंने खा लिए। वहाँ पर हमने चिप्स और एप्पल खाया था, जो हम कह रहे थे हम कुछ खाते पीते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं खिलाया, चिप्स और एप्पल खा के आ गए जो हम घर से लेके गए थे। पता नहीं मुझे ये इसको कैसे पता चला, अभी मुझे बोले जा रही है मैंने कुछ खिलाया नहीं, मैंने कुछ खिलाया नहीं। इसे कितनी बार बोला यार मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और मैंने खुद भी कुछ नहीं खाया इसके चक्कर में। अभी मैंने इसको बोला मैं चल यार होटल में जाए कुछ अच्छा खाना खाते हैं, नहीं यार मुझे मोमोज खाने का मन है, तो मोमोज खाने का स्ट्रीट फूड खाते हैं यहाँ का। अब मोमोज से ना तो पेट भरेगा ना खाली रहेगा, बीच में फंस गए और क्या। चलो बाकी मोमोज आते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा बना है, कैसा क्या सीन है मोमोज का। तारीख बहुत सुनी है हम लोग, मतलब पूरी रिसर्च के बाद आए हैं ये जगह ढूंढ के जहाँ पे अच्छे मोमोज मिलते हैं। देखते हैं अभी वो वाली बात ना निकल जाए, ऊँची दुकान फीका पकवान वाले, या फिर सही में होता है जो लिखते हैं लोग। जी ये वाले आ गए, ये कौन से वाले हैं? ये है चिकन चिली मोमोज। चिकन चिली मोमोज ये पहले बार चिली वाले हैं, इसमें और क्यों चिली डाल रही है? और चिली क्यों डाल रही है, ये तो पहले चिली वाले हैं। कैसा बना है? यम्मी यम्मी। चिली कितनी है? लो ये। इसमें चिली नहीं लगा ना। दूसरा वाला भी आ गया। ये कौन सा सॉस है? स्टीम का सॉस। डाल के स्पॉट से सूप और मोमो। अच्छा जी। बस ठीक है। ये वाला आ गया। ये वाला कौन सा है? ये स्टीम स्टीम चिकन मोमोज और ये चिली चिकन मोमोज। हाँ चलो बहुत टेस्टी है ये वाला, टेस्टी है बहुत टेस्टी है, और साथ में उन्होंने चिली सॉस भी दी है अगर तुम्हें तुम्हारा पेट ना भरे इससे। मैं भी खा के देखता हूँ कैसा बना है। मैं पानी की बॉटल, अलग चीज़ है, बिल्कुल ही अलग चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसे मोमोज खाए, बहुत मोमोज खाए पर ऐसे मोमोज आइटम देखो क्या बना रखी है। तिल बादाम का अचार, तिल और बादाम देते हैं, सूखा मिर्चा का, अच्छा चूड़ी मिर्ची भी है, तिल और बादाम। हमने ये कभी नहीं खाया, ये तो खाया, ये नहीं खाया, पर अच्छा है। और ये
कौन सी है चटनी? ये है तिल और बादाम की चटनी, है बहुत टेस्टी। इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, उसको ग्रेवी की तरह खाना होता है। अच्छा, लो जी इसको ऐसे करके डुबो के खाना है। डुबो के पूरा खा लो इसको, इसके ऊपर डाल दो थोड़ी सी और इसको इकट्ठा करो। और ऐसी आइटम है, मैं पहली बार खा रहा हूँ। दोनों बहुत टेस्टी भी हैं और अलग हैं। ये जो ग्रेवी की तरह जिसको खाना है ना, ये अपने इंडिया में नहीं मिलती। मे भी मिलती हो पर मुझे नहीं पता। ऐसी वाली नहीं मिलती, क्योंकि मैंने खाए बहुत दिल्ली में, दिल्ली वगैरह में जब मैं रहता था बहुत खाए, पर ये आइटम नहीं खाई। और इवन ये भी नहीं खाई, ये वाली जो दूसरे वाली चिली, जनरली दिल्ली में कैसे मिलते हैं जो बहुत चलते हैं, वो सॉस वाले होते हैं ग्रीन और रेड सॉस वाले, वो जनरली दो होते हैं। ये आइटम ही अलग है, आपको भी लो आओ नेपाल और मोमोज ट्राई करो, करोगी ऑब्वियस ही बात है। नेपाल आओ और मोमोज ट्राई ना करो कैसे, तो ये वाली आइटम में जरूर ट्राई करता हूँ। बाकी चीज़ दोनों वहाँ खाती रहती है नहीं? चलो खा के बात करते हैं आपसे, बाय बाय। ये बुखड़ सारा सारा खाली कर गई, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये प्लेट भी खाली। बस कर रहा, मुझे चटनी तो छोड़ दें। हैं टेस्टी तो मुझे पता टेस्टी है, इसका मतलब ये थोड़ी है सारा कुछ चटपट खा कर देना है। बस कुछ और बाकी है, और कुछ खाना है? हाँ, हो सकता है अगर हम जग गए 12 बजे तक, फिर कुछ होटल से मंगवा लिया जाए। होटल में 8:30 बंद हो जाता है, 9 बजे बंद होता है। हाँ तो बोला कोई बात नहीं, आपको मुझे तो बता देना, आपके लिए अरेंज कर। तुम इसी उम्मीद पे बैठी हो भी? हाँ, मैंने सेटिंग कर ली। अरे बस कर, चटनी तो छोड़ दे। चले अब टमाटर खा लेते। चले पानी की बोतल उठा लो, अब चलते हैं। आप पैसे दे दो। हाँ, बहुत कम रेस्टोरेंट में बस भी करो, उसको खत्म नहीं करना आपने। कितने का बिल बना? 390। ये रहा इनका मेन्यू। ये हाँ, ये देखो कितने तरह के मोमोज हैं। बस मतलब बफेलो, ये चिकन वाले, बफेलो वाले, वेज वाले, ये पनीर वाले, ये चीज वाले। पानी की बॉटल, ये है MRP 16 की, इंडिया की MRP है। आप कहाँ चल रही है? सेकुआ क्या होता है? सेकुआ क्या होता है? सेकुआ मुझे ऐसा लगता है जैसे जितना मेरा अंदाजा है, मुझे ऐसा लगता है जो अपने यहाँ पे वो स्टिक पे रोस्ट करके नहीं देते, क्या कहते हैं उसको, जैसे कबाब होती है स्टिक कबाब वगैरह, उस टाइप का कुछ लग रहा है। थैंक यू, कहना चाहते हो हमारे दर्शकों से? नहीं नहीं यार, बहुत अच्छा खाना था, मतलब अगर पानी 25 रुपए का नुकसान करके जा रही थी, आधी है 25 ना 14 रुपए का नुकसान हो गया। नहीं यार, अगर सही में मोमोज खाने बहुत अच्छे थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे पर्सनली। मे भी इससे कहीं और अच्छे भी मिलते हो, पर मैं तो वही चीज़ ट्राई बताता हूँ जो मैंने ट्राई किया रखी है। और यहाँ पे मास्क बहुत कंपल्सरी है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, अभी हम लोग निकल रहे हैं, हमारा स्ट्रीट फूड का हो गया काम खत्म। ठीक है, भर गया पेट ज़रा? चलो, हमारा पेट भी भर गया और अब हम जाके रूम पे सो रहे हैं, क्योंकि सुबह से बहुत थक गए हैं।
बहुत कल सुबह फिर एक नई जगह पे जाना है, तो आपको फिर कल की वीडियो बनाएंगे, बताएंगे नई जगह एक्सप्लोरेशन करके बताएंगे। बिल आप बाकी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, तब तक के लिए रब रखा रब रखा।